मीन्स कैसे हैं प्यारे बच्चों, होप सारे लोग अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, एक बार फिर स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल यूरेका अकेडमी के। बेटे, आज हम अपने इस प्लेटफॉर्म पे एक ऐसे चैप्टर को डिस्कस करेंगे, एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो आज के ही कुछ मिनटों में हम लोग खत्म कर लेंगे और वहां से एक फिक्स क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाला है। मैं बात कर रहा हूं प्यारे बच्चों नेट कॉमर्स वाले बच्चों के साथ, और ये टॉपिक पीजीटी कॉमर्स वालों के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट होगा। तो बच्चों, जो पैटर्न है जाम्स के, वो क्या फंड फ्लो को या कैश फ्लो को एग्जामिनर हर साल लगभग टच करता ही करता है। आइदर समटाइम दे आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम फंड फ्लो और दे आस्क क्वेश्चन फ्रॉम फंड फ्लो। तो आज प्यारे बच्चों, मैं बात करूंगा फंड फ्लो स्टेटमेंट के लिए। मैं ये वीडियो फंड फ्लो का इसलिए ला रहा हूं आप लोगों के साथ, क्योंकि कैश फ्लो अनगिनत वीडियो मिल जाएंगे आपको, लेकिन फंड फ्लो में आपके काम का वीडियो। आइए लेट्स बिगिन। प्यारे बच्चों, सबसे पहले जब हमारे दिमाग में फंड फ्लो स्टेटमेंट घूमता है तो फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस व्हाट, बेटे फर्स्ट वी हैव टू डिस्कस व्हाट इज फंड, कि फंड क्या है। देयर आफ्टर वी डिस्कस फ्लो क्या है। देयर आफ्टर वी डिस्कस फाइनली स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। तो प्यारे बच्चों, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटे, कि फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर से क्वेश्चन आपके पेपर में किस टाइप का आएगा। फंड फ्लो स्टेटमेंट से आपके पेपर में जो क्वेश्चन आने वाला है वो यूजुअली चेंज इन वर्किंग कैपिटल को ज्यादा टच करते हैं। दो चीजें, दो क्वेश्चन आप बिल्कुल अपने माइंड में सेट करके चलिएगा। एक क्वेश्चन क्या बच्चों, एक क्वेश्चन कि ये फ्लो ऑफ फंड है या नहीं है, है ना। जैसे एक करंट कैटेगरी का आइटम, दूसरा नॉन करंट कैटेगरी का आइटम, ये फ्लो है या नहीं है, यहां से फंड का फ्लो होगा या फंड का फ्लो नहीं होगा। दूसरा क्वेश्चन क्या बेटे, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, ये सोर्स है या बेटे एप्लीकेशन है। इस बेस पे क्वेश्चंस आते हैं हमारे पेपर के अंदर। तो आइए सबसे पहले मैं जिक्र करूं कि फंड का मीनिंग क्या होता है। बच्चों, फंड का मतलब क्या होता है, देखिए बेसिकली फंड आते ही कॉमर्स वाले या नॉन कॉमर्स वाले सभी बच्चों के दिमाग में फंड का मतलब बहुत यूजुअली आप देखेंगे तो फंड का मतलब सभी लोग कैश को फंड समझते हैं। ठीक है जी बेटे, कैश ही फंड है, बट ये लिमिटेड सेंस में है। अगर मैं कैश को फंड बोलूं तो ये किस सेंस में होगा, ये लिमिटेड सेंस में होगा। पर हम अकाउंटेंसी वाले लोग अकाउंट्स को अगर लिमिटेड सेंस में पढ़े मजा नहीं आएगा। तो फंड का मतलब बेसिकली होता क्या है बेटे, फंड इन लिमिटेड सेंस, फंड मींस व्हाट बेटे, फंड मींस कैश। बट इन ब्रॉडर सेंस अगर मैं बात करूं तो ब्रॉडर सेंस फंड का मतलब क्या होता है बेटे, फंड मींस व्हाट, वर्किंग कैपिटल। तो इन द लिमिटेड सेंस फंड मींस व्हाट बेटे, कैश। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट लिमिटेड सेंस बेटे, तो इन लिमिटेड सेंस फंड मींस व्हाट, कैश। बट दिस इज नॉट करेक्ट डेफिनेशन, दिस इज नॉट करेक्ट मीनिंग। ये तो साइंस वाले, नॉन कॉमर्स वाले लोग बोले कि फंड का मतलब कैश, चलेगा। आप बोलेंगे फंड का मतलब कैश, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो बेटे, द टर्म फंड स्टैंड्स फॉर व्हाट, फंड स्टैंड्स फॉर वर्किंग कैपिटल। अगर बच्चे फंड की बात करूं तो फंड का मतलब क्या होता है एग्जैक्टली अकाउंट्स के अंदर, इन ब्रॉडर सेंस बेटे फंड का मतलब क्या है, वर्किंग कैपिटल। एंड व्हाट इज वर्किंग कैपिटल बेटे, तो वर्किंग कैपिटल इज द डिफरेंस ऑफ व्हाट बेटे, वर्किंग कैपिटल इज द डिफरेंस ऑफ करेंट एसेट एंड करेंट लायबिलिटी। अगर हम करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटीज के डिफरेंस की बात करेंगे तो डिफरेंस को हम लोग क्या बोलते हो प्यारे प्यारे बच्चों, वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। तो अब आप लोग मुझे बताएं, फंड का बिल्कुल मतलब क्लियर है ना आप लोगों को, फंड मींस व्हाट बेटे, फंड का मतलब आप कैश नहीं ध्यान रखेंगे, फंड का मतलब क्या, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या है बेटे, इट इज द डिफरेंस ऑफ व्हाट, करेंट एसेट एंड करेंट लायबिलिटीज। अब फ्लो क्या है, हमने फंड तो सीख लिया कि फंड का मतलब क्या है बेटा, फंड का मतलब वर्किंग कैपिटल है। तो उसके अंदर जो आप चेंजेस करेंगे वही तो फ्लो है। तो फ्लो का मतलब क्या होता है, फ्लो ऑफ फंड मींस चेंज इन फंड और चेंज इन वर्किंग कैपिटल। आइदर आपका वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो या वर्किंग कैपिटल डिक्रीज हो, यही तो फ्लो है ना बच्चों।
तो फंड ऑफ्लो का मतलब क्लियर हो गया। आइए आगे बढ़ाता हूं मैं आप लोगों को, आगे चैप्टर के अंदर चलते। हाँ जी बेटे, तो देखिए व्हाइट बोर्ड पे आप लोग शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल लिखा हुआ है। बेटे शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल को अगर आपने ढंग से तैयार कर लिया तो ये भी एक क्वेश्चन एग्जामिनर चाहे तो बना सकता है आपके लिए। कैसे शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल को हम लोग पढ़ेंगे, आइए देखिए। उसके लिए एक सिंपल फंडा है कि आप ऐसे याद रखिएगा कि इस चैप्टर के अंदर, फंड फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर के अंदर बेटे करेंट एसेट्स के साथ डायरेक्ट रिलेशन होगा। यानी कि अगर करेंट एसेट इंक्रीज होता है तो बेटे फंड फ्लो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। करेंट एसेट अगर डिक्रीज होता है तो फंड फ्लो भी क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, डिक्रीज हो जाएगा। दूसरी बात करूं आपसे तो करेंट लायबिलिटीज के लिए बात करूंगा प्यारे बच्चों। इस चैप्टर के अंदर करेंट लायबिलिटीज का इनवर्स रिलेशन है, यानी करेंट लायबिलिटी इंक्रीज है तो हम डिक्रीज करेंगे इस चैप्टर में, और करेंट लायबिलिटी अगर डिक्रीज हो रहा है तो हम इस चैप्टर के अंदर इंक्रीज करेंगे। ठीक, होप चीजें समझ आ रहा होगा आप लोगों को कि हमारा करेंट एसेट के साथ कैसा रिलेशन है बेटे, करेंट एसेट्स के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, और करेंट लायबिलिटीज के साथ कैसा रिलेशन बनता है, इनवर्स रिलेशन बनता है। अगर करेंट एसेट इंक्रीज है तो इंक्रीज करना, डिक्रीज है तो डिक्रीज करना, ठीक है सर। अगर करेंट लायबिलिटीज इंक्रीज है तो डिक्रीज कर देना, और अगर ये डिक्रीज हो रहा है तो हमने क्या कर देना, सर इंक्रीज कर देना। बहुत सिंपल फंडा है बेटे। तो आइए इस बेसिस पर शेड्यूल बनाए हम लोग। कई बच्चे सोच रहे होंगे सर ने तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन पढ़ाया नहीं, सब कराएंगे बेटे, चिंता नहीं करिए। एक एक चीजों को हम सीक्वेंस वाइज लेके जाएंगे चैप्टर को इंटरेस्टिंग बनाते हुए। तो आए बेटे, इंक्रीज इन करेंट एसेट, यानी करेंट एसेट अगर बढ़ रहा होगा तो रिजल्ट क्या होगा, वर्किंग कैपिटल भी क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। इफ देयर इज एन इंक्रीज इन करेंट एसेट इट मींस व्हाट बेटे, रिजल्ट इन इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। क्यों, रिलेशन डायरेक्ट है। अगर करेंट एसेट डिक्रीज हो रहा है और डिक्रीज इन करेंट एसेट रिजल्ट इन डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, प्यारे बच्चों अगर करेंट एसेट घट रहा होगा ना तो वर्किंग कैपिटल भी क्या होगा, रिजल्ट डिक्रीज हो जाएगा, वर्किंग कैपिटल भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। एन इंक्रीज इन करेंट लायबिलिटी, देखो बच्चों करेंट लायबिलिटी के साथ हमारे रिलेशन कैसी है, इनवर्स रिलेशन है सर। तो अगर करेंट लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, करेंट लायबिलिटी प्यारे बच्चों बढ़ रहा है, इसका रिजल्ट क्या होगा वर्किंग कैपिटल के ऊपर, वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है बेटे, अगर मैं बात करूं, अगर प्यारे बच्चों बात करूं और डिक्रीज इन वर्क करेंट लायबिलिटी, अगर करेंट लायबिलिटी घट रहा होगा तो वर्किंग कैपिटल के ऊपर क्या असर होगा बेटे, वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा। बात समझ आती है आप लोगों को। देखो सिंपल सा फंडा इस चैप्टर के अंदर, ध्यान रखिएगा, फंड फ्लो स्टेटमेंट में अगर करेंट एसेट इंक्रीज हो रहा है मीन्स वर्किंग कैपिटल भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर फंड फ्लो के अंदर करेंट एसेट इंक्रीज है तो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज है, डिक्रीज है तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज है। अगर करेंट लायबिलिटी इंक्रीज है तो वर्किंग कैपिटल डिक्रीज है, और करेंट लायबिलिटीज अगर डिक्रीज है तो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज है। ये स्टेटमेंट बन गया आपका, है ना। जैसे क्यों, ऐसा क्या लॉजिक क्या है ऐसा एग्जामिनर। हाँ जी बेटा जी, तो मैं इसके ऊपर आपसे डिस्कस क्या कर रहा था कि क्या लॉजिक है इसके भीतर कि करेंट एसेट अगर बढ़ता है तो ये हमारे लिए इंक्रीज इन कैपिटल होगा, और अगर करेंट एसेट घटता है तो डिक्रीज इन कैपिटल का केस होगा। ठीक है ना, लॉजिक की मैं बात कर रहा था। तो लॉजिक क्या होगा, आप देखिए करेंट एसेट इंक्रीज होने का मतलब क्या है। ठीक है बेटे, तो करेंट एसेट इंक्रीज हो रहा है, देखो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला देखो एक बार बेटे, वर्किंग कैपिटल इज व्हाट, इज द डिफरेंस ऑफ करेंट एसेट एंड करेंट लायबिलिटीज। होता है ना करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटीज का डिफरेंस, यस या नो? यस सर। तो देखो अगर हमारे पास 10,000 का करेंट एसेट है और 5,000 की करेंट लायबिलिटी, तो हमारी वर्किंग कैपिटल कितनी है सर, हमारी वर्किंग कैपिटल होगी 5,000 की। मान लो करेंट एसेट बढ़ा दिया मैंने 15 कर दिया इंस्टीड ऑफ 10, अब हमारी वर्किंग कैपिटल कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, 10,000। मान लो कि अगर मैंने इसको 20 कर दिया
तो अब हमारी वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगी बच्चों, अब 50,000। तो जैसे जैसे आप करेंट एसेट को बढ़ाएंगे आपका वर्किंग कैपिटल भी लॉजिकली क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यही रिलेशन बेटे करेंट लायबिलिटीज के साथ भी चलता जाएगा। ठीक है, तो अब आप लोग इसके लॉजिक को समझ गए होंगे। अब मैं कुछ बातें आपसे करूंगा कि किस केस में फंड का फ्लो होगा और किस केस में फंड का फ्लो नहीं होगा, और एग्जाम के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत ही मजेदार होने वाला है। तो इसके ऊपर ध्यान रखेंगे हम लोग कि क्या यहां से फंड का फ्लो होगा भी या फंड का फ्लो नहीं होगा। तो आइए एक नजर डालता हूं मैं फंड के फ्लो के ऊपर। तो लो बेटे एक क्वेश्चन एग्जाम का आप लोग पक्का कर लो, सिंपल दो फंडा सिखाऊंगा और आपके क्वेश्चन बिल्कुल पक्के हो जाएंगे एग्जाम के लिए। सिर्फ दो फंडा सिखाऊंगा। देखो बेटे, ट्रांजेक्शन दे देगा एग्जामिनर और आपसे पूछ लेगा कि इससे फंड का फ्लो हुआ या नहीं हुआ। देखो, अगर दोनों हाथ में सेम चीजें है देयर विल बी नो फ्लो ऑफ फंड, अगर दोनों हाथ में अपोजिट चीजें है तो देयर विल बी फ्लो ऑफ फंड। एक बार फिर सुनना, अगर मेरे दोनों हैंड्स में अलग अलग चीजें हैं तो फंड का फ्लो होगा, अगर दोनों हैंड्स के अंदर सेम चीजें हैं तो फंड का फ्लो नहीं होगा। आइए बोर्ड पे दिखाता हूं आप लोगों को। देयर विल बी फ्लो ऑफ फंड, फंड का फ्लो होगा कब, इफ अ ट्रांजेक्शन अफेक्ट्स करेंट कैटेगरी आइटम ऑन द वन हैंड। एक तरफ तो करेंट कैटेगरी का आइटम हो, आइदर करेंट एसेट हो या करेंट लायबिलिटी हो, ऑन द वन हैंड एंड नॉन करेंट कैटेगरी आइटम ऑन द अदर हैंड, और दूसरे तरफ जो हो वो नॉन करेंट कैटेगरी का आइटम हो। बच्चों, नॉन करेंट कैटेगरी का आइटम कहने का मतलब आइदर करेंट एसेट हो या करेंट लायबिलिटीज हो। क्लियर है? देखिए आप लोग बोर्ड पे, अगर एक हाथ में करेंट कैटेगरी आइटम है दूसरे हाथ में नॉन करेंट कैटेगरी है, देयर मस्ट बी फ्लो ऑफ फंड। लेकिन ऐसा होगा कि दोनों ही हैंड्स के अंदर सेम चीजें आ जाए तो वहां पर फंड का फ्लो नहीं होगा। जैसे सपोज करिए इस हाथ में करंट कैटेगरी, इस हाथ में करंट कैटेगरी, देयर विल बी नो फ्लो ऑफ फंड। इस हाथ में नॉन करंट कैटेगरी, इस हाथ में भी नॉन करंट कैटेगरी, देयर विल बी नो फ्लो ऑफ फंड। तो अगर दोनों ही हैंड्स के अंदर सेम चीजें है तो फंड का कभी भी फ्लो नहीं होगा। देखो कैसे, देयर विल बी नो फ्लो ऑफ फंड इफ अ ट्रांजेक्शन अफेक्ट बोथ द करेंट कैटेगरी, चाहे तो दोनों करेंट कैटेगरी हो या फिर बेटे और अफेक्ट बोथ नॉन करेंट कैटेगरी, चाहे तो दोनों करेंट कैटेगरी के आइटम हो चाहे दोनों नॉन करेंट कैटेगरी के आइटम हो, देयर विल बी नो फ्लो ऑफ फंड। एग्जाम्पल से चीजें समझते हैं हम लोग बेटे। एग्जाम्पल लिखूंगा तो आप लोग को ज्यादा क्लियरली समझ आएगा, तो उसके लिए मिटाना होगा मुझे। देखिए कैसे, मैंने आपको क्या बताया, क्या सिखाया कि अगर हमारे दोनों ही हैंड्स के अंदर करेंट कैटेगरी आइटम है तो फ्लो नहीं होगा, अगर दोनों हैंड्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं तो फ्लो होगा। एक तरफ तो मैं रखता हूं, पहले एग्जांपल में प्यारे बच्चों, एक तरफ मैंने लिया स्टॉक। क्या है सर? स्टॉक करेंट एसेट है, यानी कौन से कैटेगरी का आइटम है, ये करेंट कैटेगरी का आइटम है। दूसरे तरफ मैंने लिया लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, बेटे ये क्या है हमारे लिए, बेटे दूसरे तरफ हमने लिया है क्या, नॉन करेंट लायबिलिटीज। बताओ फंड का फ्लो हो जाएगा या फंड का फ्लो नहीं होगा? बेटे फंड का फ्लो होगा क्योंकि दोनों अलग अलग कैटेगरी के आइटम है। लेकिन दूसरे एग्जांपल में मैं एक तरफ तो ले रहा हूं डेटर्स, डेटर्स हमारे लिए क्या है सर, करेंट एसेट है। दूसरे तरफ ले रहा हूं कैश, क्या है, करेंट एसेट है। दोनों सेम कैटेगरी होगा, फंड का फ्लो होगा क्या? नो सर, फंड का फ्लो नहीं होगा। तीसरे एग्जांपल में एक तरफ लेता हूं मैं शेयर, क्या है बेटे शेयर, नॉन। दूसरे तरफ लेता हूं मैं डिबेंचर, क्या है डिबेंचर, सर ये भी नॉन है। बताइए क्या फंड का फ्लो होगा? नो सर, बिल्कुल रट लिया हमने कि अगर दोनों तरफ सेम आइटम है देयर विल बी नो फ्लो ऑफ फंड, अगर दोनों तरफ डिफरेंट आइटम्स है तो देयर विल बी फ्लो ऑफ फंड। उम्मीद करता हूं ये मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। बहुत जल्द मैं नेक्स्ट वीडियो फंड फ्लो का आपके सामने लेकर हाजिर रहूंगा। थैंक यू बेटा।